अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे हिंसा प्रदर्शन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खुफिया जांच एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है। राज्यों की पुलिस को चिट्ठी लिखी गई है और सतर्क किया है। संवेदनशील जगहों पर आतंकी हमले के इनपुट मिले हैं, आत्मघाती हमला करने के इनपुट मिले हैं, जिसको देखते हुए अलर्ट किया गया है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत निशाने पर है कई राज्य। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं। खुफिया जांच एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में बड़ी खबर ये मिल रही है कि जांच एजेंसीज ने एक अलर्ट जारी किया है। राज्यों की पुलिस को चिट्ठी लिखी है और सतर्क किया है, क्योंकि कई संवेदनशील जगहों पर आतंकी हमले के इनपुट मिले हैं, आत्मघाती हमला करने के इनपुट मिलने के बाद ही अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्य निशाने पर है और इसीलिए राज्यों की पुलिस को चिट्ठी लिखी गई है और अलर्ट किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी मयूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, कई जगहों पर तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच खुफिया जांच एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है। राज्यों की पुलिस को एक चिट्ठी लिखी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां से क्या अपडेट आपको मिला है जरा बताइए मयूर। बिल्कुल, देखिए देश भर में जो तस्वीरें सामने आ रही थी हिंसा की अग्निपथ को लेकर, उसको लेकर जो खुफिया एजेंसियां हैं लगातार जांच पड़ताल कर रही थी, उनको तमाम सारे इनपुट भी मिले हैं। और जो अब खुफिया एजेंसियों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है अलग अलग जो राज्य हैं उनके DGP मुख्यालयों को और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कि अलर्ट जो है वो रहे, क्योंकि अभी हिंसा फैलाने की और भी ज़्यादा कोशिश की जा सकती है, क्योंकि तमाम आतंकी संगठन है वो इस फिराक में है कि इस मौके को भुनाया जाए। अगर हम बात करें दिल्ली की, हरियाणा की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तमाम ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर जो संगठन है आतंकी वो इस फिराक में है कि इस मौके को भुना के वहाँ पर आत्मघाती हमला किया जाए। तो ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही, तमाम संगठन भी इसमें शामिल हैं, पॉलिटिक्स भी इसमें लगातार हो रही है, तो ऐसे में खुफिया एजेंसियां लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रही है किसी तरीके का आतंकी हमला ना हो सके, उसको लेकर अलर्ट पुलिस को जारी कर दिया गया है। पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है कि कौन से स्थानीय लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए या फिर पत्र के जरिए हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो और इसी को देखते हुए भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं। हमले की आशंका भी जाहिर की जा रही है, जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर ही अब आगे सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है अलर्ट पर इस वक्त पुलिस में। आपके पास लौट रही हूं मयूर।